शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। 7 बज गया, वो अभी तक राधा को लेकर नहीं आया। मेरा दिल कितना जोर जोर से धड़क रहा है। मैडम, हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं वो पारसी हैंडसम बुड्ढा राधा को लेकर कहीं रफू चक्कर हो गया हो? मेरे को कुछ डाल में काला लगता है। तमे कौन छे और ये क्या चीज है? ए चीज नहीं है, तमेरी स्टूडेंट है राधा। राधा, लेकिन ये तो पूरा आधा आधा है और इसको इतना फटी क्यों बांधा है? इसका कपड़ा फटी गया क्या? नहीं, वो बताओ गुंडा बदमाश लोग होता ना, उन लोगों ने इसका ऐसा हालत कर दिया। गुंडा लोग ने? हाँ। सबर कर डिग्री, सबर कर। लेकिन वो इडियट बुड्ढा किधर है जो इसको लेके गया था? ए जरा मोड़ू हमारी ने बात कर, तू मेरे बाप को गुंडा बोलती है? तुम्हारा बाप? और नहीं तो क्या, ये मेरे बाप का दोस्त का डिक्री है। मेरा बाप मिस्टर दारू वाला, मैं उसका बेटा बूट वाला। मेरा बाप तुम्हारे हुस्न वालों को लेकर रोड पर से जा रहा था, तो यू नो ऑल द रोड साइड ऑफ लोफर्स, उन लोगों ने इन पर अपनी बुरी नीयत की हटर का हमला इन पर कर डाला। मेरे बाप ने सबको मार डाला, लेकिन बेचारा बाद में हॉस्पिटल में पहुंच गया। पची मेरे बाप ने मेरे को बोला कि इस अमानत को इधर सलामत पहुंचा डालो, तो मैं इसको इधर लेके आ गया। ओ सो सैड, तुम्हारा बाप का न्यूज सुनकर मेरा दिल धक धक करता है। बाय द वे, वो गुंडा लोग देखने में कैसा था? तगड़े तगड़े, चौड़ी छाती, आटला मोटा मोटा डन, एकदम पहलवान के माफी खोटा। लड़की लो, राधा को लेकर कमरे में जाओ। चलो 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 चल, दिख रहा रोना नहीं। बाय राधा। बाय द वे, यस, वो गुंडा लोग अभी किधर होएंगा? इधर ही तो है। इधर इधर किधर है? तो मेरे सामने तो है भूत वाला। अरे तुम, अरे सू, फाइन कॉम्बिनेशन छे। सारा बाप दारू वाला, यस, हूँ पाटली वाला, अरे तू भूच वाला। ए तंजे मिल जाए तो बाटली दारू ने भूच के साथ तैयार। यस यस या नो नो, आज आ तो हमारा पाचन पड़े गई अट्टा ना जाए आनो। सर्दी जुकाम से परेशान हूँ बहू। अरे बहू, एक कप चाय तो दे दो, सुबह से एक कप चाय मांग रहा हूँ। लानत है ऐसे बहू बेटे पर। पिताजी। कौन बे? आपकी औलाद। पिताजी, ये देखिए आपकी मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट? अरे मुझे क्या हुआ है? ये आपकी एक्सरे रिपोर्ट है पिताजी, डॉक्टरों का कहना है कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे मुझे खतरनाक बीमारी होती तो अब तक मैं सूख के कांटा हो गया होता। पिताजी, आपको डिफरेंट किस्म की बीमारी है, इसमें आदमी सूख कर कांटा नहीं बल्कि कांटा फूल कर टाय हो जाता है। अब वे तेरा सत्य ना होगा, लेकिन पहले चलकर तैयार हो जाइए। मुझे कहने जा रहा है, मुझे जीते जी शमशान ले जा रहा है क्या? नहीं नहीं, वो बाद में है, थ्रू प्रॉपर चैनल लेके जाना है ना, पहले अस्पताल चलिए। अस्पताल? मगर क्यों? पिताजी, डॉक्टर ने बोला है कि आपको वहां लेकर आए, वो आपका इलाज करेगा, वरना आप तो घुलकू के टपकना शुरू कर देंगे। अस्पताल जाने से पहले राधा बेटी को तो हॉस्टल से आ जाने दो। राधा? राधा नहीं आने वाली पिताजी। नहीं आने वाली है, मगर क्यों? पिताजी, अगर आप राधा का इंतजार करने लगेंगे तो ये सड़ कर मर जाएंगे। तू हर जुमले में मेरे मरने का जिक्र क्यों कर रहा है? एक मिसाल दी है। दूसरी मिसाल नहीं दे सकता क्या? भैया, पिताजी को जल्दी स्ट्रेचर पर ले जाओ। मैं इनके लिए हॉस्पिटल में खटिया बुक कर दिया। अरे मेरी खटिया क्यों? माफ कीजिए पिताजी, अब उठिए। अरे ये सुनकर के तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। आपके तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, ऐसी खबर सुनकर लोग मर जाते। अबे तूने तूने भी मेरी मौत का जिक्र किया। ना ना पिताजी, आपको अस्पताल में चाबियों की क्या जरूरत है? अरे आपकी जगह मैं संभाल। अरे बापरे, चलो ठहरो, मुझे अस्पताल ही ले जा रहे हो ना? मेरे भाई डॉक्टर धतूरा राम को जरूर खबर कर देना। कर देंगे। चलो। वाह, 50वीं। अरे यार मगन लाल जी, एक बात बताओ जी। डिस्पेंसरी 10 बजे शुरू होती है, यस, और तुम सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सफाई करने की बजाय मक्खियां क्यों मारते हो? सर ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। बिजनेस जी?
मक्खियों से क्या बिजनेस हो सकता है? अरे सर, 5 पैसे की एक मक्खी बिकती है। हाँ, ये देखिए 10 रुपए का माल इकट्ठा हो गया। मैं केक खा रहा हूँ, मक्खियाँ पास ला रहा। सॉरी, ये मक्खियाँ खरीदता कौन है? ये सामने बेकरी वाला। मक्खियों का बेकरी वाला क्या करता है यार? सर, बम्बई में किशमिश तो मिलता नहीं, इसलिए मक्खियों को शक्कर के पानी में डुबो कर केक के ऊपर लगा देते हैं, ताकि केक खाने वाला मक्खियों को किशमिश समझ के खा जाए। इतनी बड़ी 400 बीसी करते हैं। बिल्कुल। मेरे लिए केक कभी उस बेकरी से मत लाना। सर, ये जो केक आप खा रहे हैं ये उसी बेकरी का है। अच्छा अच्छा। सत्यमेव जयते डॉक्टर साहब। आइए आइए आइए। अरे कितनी बार हैं, क्या बात है? मेरा नाम झोकुमल मखमल प्यारे लाल है। अच्छा अच्छा, ये आपका अकेले का नाम है कि पूरे खानदान का? मेरे अकेले का नाम है। मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है इस शहर में कि तुम बेइलाज का ऐसा इलाज करते हो कि वो लाइलाज हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरा इलाज कर दो। हंसने की बीमारी है क्या? मुझे हंसने की बीमारी नहीं है, मुझे सच बोलने की बीमारी है। सच बोलने की बीमारी? ये तो नहीं है। अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब, मैं एक लड़की के साथ तो घर गया, तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने सच सच बता दिया कि मैं एक लड़की के साथ, तो मेरी बीवी ने मेरी अब वो पिछले एक हफ्ते से मेरे पीछे डाइवोर्स के पेपर लेके घूम रही है, मैं उसे घुमा रहा हूँ। मैंने ऑफिस के अकाउंट में गफला किया, मेरे बाप ने पूछा कि 1,00,000 रुपया कहाँ गया, तो मैंने सच सच बता दिया कि जुए में और लड़की के पीछे खर्च हो गया। तो वहाँ भी जूते पड़े। आप चाहते क्या है, मैं क्या करूँ? हाँ तो डॉक्टर साहब, आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं सच बोलना छोड़ दूँ। जी मगनलाल, इधर आओ। तुम कहाँ गए थे? जी वो डिलीवरी देने, मक्खियों की। ओफ, कल से मैं इडली सांभर खाऊंगा, केक नहीं। सॉरी, वो पिछली बार एक पेशेंट आया था, मेहता। हाँ हाँ, वो जो एक कसम के साथ सौ झूठ बोलता था, वही मेहता। झूठ बोलते बोलते मर गया। मर गया है ना, तो हमने उसके शरीर से झूठ बोलने के कीड़े निकाले थे। हाँ, वो फ्रिज में पड़े अकड़ रहे हैं। अकड़ रहे हैं ना जी। उन कीड़ों को एक इंजेक्शन में भर कर ले आओ, इनको लगाना है। हाँ जी, देखिए प्यारे लाल जी। प्यारे लाल नहीं, झोंकुमल मखमल प्यारे लाल है। अरे मखमल खटमल कुछ नहीं, प्यारे लाल बोलो, टाइम नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, ये इंजेक्शन लगाने के 200 रुपए लगेंगे, आप तैयार हैं? 200 रुपया देने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब, खाली मुझे सच बोलने की बीमारी से बचा लो। अभी हंसते हंसते वहाँ लेट जाइए, फीस को भूलना मत। लीजिए सर, झूठ के कीड़े। ये ए भाई, वो 200 रुपया याद है ना? हाँ याद है डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन तो लगाइए। तो कूला ऊंचा करो, ये लो। ये कूला है कि पहाड़ है? पूरी पी गया, पूरी पी गया। प्यारे लाल जी, 200 रुपये निकालिए। काहे के 200 रुपये? अरे वो 200 रुपये जो तय हुए थे, निकालो निकालो। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? इंजेक्शन देने से पहले 2 रुपया तय हुआ था, मतलब 200 पैसा, 200 रुपया नहीं। अरे वाह, ये झूठ का इंजेक्शन लगते ही झूठ का पहला वार हम पर। 200 रुपया निकालो निकालो निकालो। पलट गया, आवाज नहीं मांगता है, नहीं तो पुलिस को बुलवा कर दोनों को चीटिंग केस में अंदर करवा दूंगा। बदल गया समझे, झूठे मक्कार कहीं के। मांगता है तो 2 रुपया ले लो। अरे हम भिखारी हैं क्या? तो और क्या है, इसकी हंसी कहाँ गायब हो गई साले की? सर लगता है आपने झूठ का इसको ओवरडोज दे दिया। टेलीफोन। घर में 8 रुपए का पड़ा और 2 रुपए दे के चला गया। ओ राधा बोलो। अंकल मैं पिकनिक पे पंचगनी जा रही हूँ, घर का फोन नहीं लग रहा है, प्लीज डैडी को बता। हाँ बता दूंगा। यू एंजॉय योरसेल्फ, ओके बाय।